चलो आज सिर्फ 2 मीटर कपड़े में शलवार बनाना सीखते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है, 39 इंच लेंथ ली है और उसको फोल्ड फोल्ड करके रख लिया है। फिर उसके लिए 9 इंच का पाइचे के लिए लिया है, फिर 17 इंच का नेफे के लिए लिया है। फिर उसके बाद इसको निशान लगाने के बाद इसको कट कर लिया है। फिर रुमाले के लिए ये 2 कपड़े लिए हैं, इसको इस तरीके से मोड़ लेंगे। 6 इंच इसकी लेंथ होनी चाहिए और 3 इंच विड्थ होनी चाहिए। फिर इसको नीचे से कट करने के बाद इसको यहाँ से बीच में से सी लेंगे। इस तरीके से दोनों रुमालियों को सी लेंगे। फिर शलवार के 2 पाइचों को अलग कर लेंगे, सिर्फ 1 पाइचे के दोनों साइड पर हमें रुमाले जोड़ दिए हैं। फिर इसको पलट कर भी सिलाई कर लेंगे पक्की सिलाई करने के लिए। फिर नेफे के लिए इस तरीके से जोड़ेंगे, दूसरे पाइचे को रख के रुमाली पे दोनों साइड से इस तरीके से जोड़ लेंगे। नेफे का मुंह खोल देंगे 2 इंच छोड़ के, आधा इंच सीएंगे पहले, फिर 1.5 इंच छोड़ के फिर सिलाई करेंगे। फिर नेफे का मुंह बना लेंगे, दोनों कपड़ों को इधर उधर करके सिलाई कर लेंगे। फिर नेफा मोड़ के सी लेंगे, 2 इंच का हमारा नेफा होगा। फिर बुकरम की पट्टी ले लेंगे 1 इंच चौड़ी, एक कपड़े पे चिपका के उसको शलवार पे, सीधी शलवार पे रखेंगे और फिर उसको सिलाई करने के बाद मोड़ देंगे। फिर आपको पाइप किस तरीके से सीना है उस तरीके से सी लेंगे। यहाँ मैंने 5 सिलाई करी हैं, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका पाइचा बनाने का। फिर इसकी फिटिंग कर लेंगे शलवार की, मैंने 8 इंच का पाइचा चौड़ा लिया है। फिर और आपकी शलवार रेडी है। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।